वेलकम टू आरएसएस अकाउंट्स। मजे में है सब लोग? चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और 23 तारीख की तैयारी करनी है, ठीक है? तो देखो, टीएस ग्रिवाल क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 1.68। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू रुपीज 2,04,000 फुल स्टॉप असर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020। तो 2021 का हम लोग अकाउंट बना रहे, तो प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020 एडवांस क्या है? एडवांस एट बिगिनिंग है ये, है ना? प्रीपेड सैलरीज 31 मार्च एडवांस क्या है ये? एडवांस एट एंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020 पिछले साल का बकाया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2021 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या कर देना है, प्लस माइनस आपको करना है। तो देखो, सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो टू सैलरीज 3,04,000, 2,04,000, 2,04,000 दे रखा है, इसमें क्या करना है तो प्लस माइनस कर देना है। तो देखो क्या दिया, पहला प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज कितना दे दे, प्रीपेड सैलरीज 24,000, प्रीपेड सैलरीज एट बिगिनिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रीपेड सैलरीज एट एंड, ट्वेल्व थाउजेंड। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट बिगिनिंग 18,000। नेक्स्ट क्या है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट एंड, प्रीपेड सैलरीज हमारा क्या था, ये बिगिनिंग था, ये एंडिंग था, है ना? और ये बिगिनिंग था। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना था आपको, प्लस माइनस करना था। ये हमारा क्या है, 15,000। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, प्लस माइनस करना था। तो प्लस माइनस करो तो कितना आएगा, प्लस माइनस अगर आप लोग करोगे तो, इसको प्लस माइनस आप लोग करोगे तो 2,13,000 आएगा। प्लस माइनस कर लो आप लोग, इसको क्या कर लो, प्लस माइनस कर लो, ठीक है? सिर्फ आपको शो ऑफ करना था, जैसे सब्सक्रिप्शन में आप लोग को बताया गया था ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग, प्रीपेड एट एडवांस एट एंडिंग माइनस, जैसे बताया था एकदम नॉर्मल वाइज, ठीक है? सब्सक्रिप्शन में जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड प्लस होता है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग प्लस होता है, प्रीपेड एडवांस एट एंडिंग क्या होता है, माइनस होता है। तो सेम फॉर्मूला को हम क्या किए हैं, अप्लाई इसमें किए हुए हैं। देख लो, सेम फॉर्मूला को हम अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ट विथ वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो देख लो, 1 अप्रैल तुम्हारा जो है ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग, और 31 मार्च 2021 क्या कहलाएगा बाबू, ये तुम्हारा क्लोजिंग कहलाएगा, ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट बिगिनिंग का 4600, एंडिंग का 6300, एडवांस लॉकर रेंट बिगिनिंग का 3000। चलो आप लोग 38 देख लिया, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, 39 पेज नंबर 1.69 टीएस ग्रिवाल, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ट विद द वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है? देखो, 1 अप्रैल 2020 यह क्या कहलाएगा आपका, ओपनिंग कहलाएगा,
और 31 मार्च 2021 क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कहलाएगा। ठीक है, ये बिगिनिंग है और ये एंडिंग है। आउटस्टैंडिंग लॉक का रेंट कितना है? 4600 क्या है आपका? क्लोजिंग है ना। एडवांस लॉक का रेंट कितना दे दिया? 3000 और एंडिंग का कितना दे दिया? 4000। ठीक है, लॉकर एंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹52,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है 52,000। तो देखो क्या दे दिया है, लॉकर एंड रिसीव, तो ये आपके लिए इनकम है। तो बाय लॉकर रेंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हुआ है? तो 52,000। ठीक है, तो पहला क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट क्या है? ये बिगिनिंग का है ये। तो ये देखो बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट एंडिंग, तो बिगिनिंग में कितना है बाबू? 4600। एंडिंग में कितना है बाबू? 6300। फिर देखो एडवांस दिया है, बिगिनिंग का एडवांस, एडवांस लॉकर रेंट बिगिनिंग का कितना है? 3000 प्लस होगा एडवांस लॉकर रेंट एंडिंग का। तो एडवांस एट द एंडिंग क्या होता है? माइनस होता है। कितना? 4000। देखो बिगिनिंग एंडिंग है ना। सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हम बना रहे हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। तो चलो इसको आप लोग प्लस माइनस करोगे, तो प्लस माइनस करोगे तो कितना आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा 52,700। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना था? ये शो ऑफ करना था। देख लो इसमें सब्सक्रिप्शन वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर पाएंगे बहुत आसानी से। अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 42, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है 5 या 6 मार्क्स में। तो बी रेडी, क्वेश्चन नंबर 42 देखो बाबू। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना करके दे दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का। ठीक है, आपको बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो पेमेंट साइड सैलरीज एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एसेट को आप टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी से कोई लेना देना आपको नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। इज इट ओके? अब देखो रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन दे दिया है 2019-20 का 60,000 और करंट ईयर का 2020-21 का दे दिया 3,50,000। डोनेशन दे दिया है कितना? 50,000। एंट्रेंस फी 80,000। ठीक है, दोनों का दोनों हमारा क्या है? इनकम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 55,000। आउटस्टैंडिंग है 2021 का फॉर द ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 55,000 जो कि नहीं मिले हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 40,000। डिप्रिसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो देखो इसको बनाते हैं हम। टू सैलरीज एंड वेजेस आपके लिए क्या है बाबू? तो एक्सपेंस है सैलरीज एंड वेजेस, कितना दे दिया है? 1,60,000। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 40,000। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,00,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। फिर देखो ऑफिस एक्सपेंसेस रेवेन्यू है, ऑफिस एक्सपेंस कितना है? ऑफिस एक्सपेंस 35,000। टू
टेलीफोन चार्जेस, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितना है बाबू? तो 24,000। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपके लिए क्या है, खर्च है। 32,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो 65,000। नॉर्मल जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सबको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिए हैं। फिर इसके बाद इनकम साइड आप आ जाओ, तो बाई डोनेशन आपके लिए इनकम है 50,000। दूसरा हमारा क्या है, तो है इंट्रेंस फी, जिसको कि हम लोग एडमिशन फी भी बोलते हैं, एडमिशन फी भी बोलते हैं। कितना है, 80,000। एक और पॉइंट है इसमें बाबू, सब्सक्रिप्शन, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो इसमें करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया है 2020-21 का, 3,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया है बाबू 3,50,000 करेंट ईयर का 2020-21 का। और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब होता है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दे दिया है, 55,000। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना दिया है, तो 55,000। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4,05,000। ये जो 55,000 है ना, ये नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, ये पैसे आपको नहीं मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू अक्रूअल बेसिस इट विल एडेड, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी सब्सक्रिप्शंस को फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। जैसे 2019-20 में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 60,000, और 2020-21 में 3,50,000। तो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है, तो 4,10,000। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 55,000 इंड का, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग कितना है, 60,000। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,05,000, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है, 3,40,000। तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो देखो, टू डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना, तो 3,40,000 का 25% आपका नुकसान हो गया। तो 3,40,000 का बाबू मेरे 25% अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो
तो आपका कितना आ जाएगा 85,000। कोई दिक्कत? 85,000। सारा का सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस कीजिए आप लोग। तो चलो डेबिट को आप लोग जोड़ो, डेबिट को आप लोग जोड़ो, क्रेडिट को मैं जोड़ता हूं। तो 4,08,513,130,000 यानी कि 5,35,000 करना क्या है आपको, इस 5,35,000 में से यहां तक क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना, तो माइनस कर देना। तो 5,35,000 पहले लिख लो और इसमें से पूरे अमाउंट को क्या कर दो, माइनस करो, आप लोग माइनस करो। तो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा सरप्लस। अब ऐसा नहीं करना ना कि क्रेडिट को भी जोड़ करके लिख दिया और डेबिट को भी जोड़ करके लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो एक्सेस अमाउंट होता है उसी को दोनों साइड लिखते हैं, हम लोग दोनों को लिखते हैं। ठीक है, तो 5,35,000 में से इसको जोड़ करके क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो तुम लोग का कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस करो तो 94,000। ये आपका क्या निकला, सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, यानी कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक चीज और, डिस्क्रिप्शंस में पूरे क्लास 12 के अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को और नोट्स को पीडीएफ बना करके डाल दिया गया है, आप जाएं और उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको पूरी तरह से स्टडी मटेरियल को स्किप नहीं करना है और पढ़ना है, सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसमें डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और उसको जा करके क्या करना है आपको, डाउनलोड करके एनपीओ का आप वहां से नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसको नोट कीजिए, 42, क्वेश्चन नंबर 45, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, टू सैलरीज 31,500, टू पोस्टेज 1,250, टू रेंट 9,000 खर्चा है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नॉर्मल, पूरे खर्चे को लिखते जा रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड आपके एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखो क्या दिया है, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 3,000 and 4,500 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया है, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग परचेज कितना किए हैं, पेमेंट साइड आप देखिए 11,500। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा गुड्स है, तो कंज्यूमेबल गुड्स है, यानी कि टोटल परचेज हमारा इस क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग क्या निकालना होगा, कंज्यूम्ड निकालना होगा। तो कंज्यूम्ड यानी कि, तो टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टार पॉइंट है बाबू, स्पोर्ट्स मटेरियल मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग कितना दिया है, 3,000 दिया है ओपनिंग, प्लस परचेज, टोटल परचेज 11,500 और क्लोजिंग दे दिया है आपका 4,500। कंज्यूम्ड का मैंने स्पेशली आप लोग को वीडियो बना करके YouTube पे डाल रखा है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला बताए थे,
ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 11,314,000, तो 14,500 में 4,500 को माइनस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा बाबू कितना, 10,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, मिसेलनियस एक्सपेंस, मिसेलनियस एक्सपेंस कितना दिया है, तो 3,100। फिर उसके बाद फर्नीचर, 1 अक्टूबर 2017 20,000, 1 अक्टूबर 2017 को आप 20,000 फर्नीचर खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या ये क्या है, ये आपका एसेट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम बोले हैं कि एसेट को टच नहीं करना है बाबू मेरे, लेकिन लेकिन अगर एसेट पे डिप्रिसिएशन अगर चार्ज होता है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड हम लोग क्या शो करते हैं। तो देखिए कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया है, तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 4, डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। इस फर्नीचर पे जो 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है उस पे 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि 2 डिप्रिसिएशन कितना, तो 20,000 का कितना परसेंट, 10%। अब सवाल ये उठता है कि कितने मंथ्स का, तो 1 अक्टूबर 2017 को आप फर्नीचर खरीदे हैं तो 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना होता है, तो आपका बाबू होता है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीना, ठीक है। तो 20,000 का 10% 6 महीने का कितना, तो 20,000 का 10% 2,000 बोल, और 6 महीना मतलब हाफ, तो हाफ मतलब 1,000, कोई दिक्कत देख लो। फिर इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट, 1 अक्टूबर 2017 इन्वेस्ट किए हैं आप लोग कितना, 70,000, तो 10% आपको इस पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि आपके लिए क्या है, इनकम है। तो देखो बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर अक्रूड क्यों, देखो आप लोग रिसिप्ट साइड क्या कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि इनकम तो हमारा ड्यू हो गया है लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। तो कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, 70,000, कब किए हो, 1 अक्टूबर को, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड, मिला नहीं है। तो देखो 70,000 का 10% कितने महीने का, 6 महीने का, तो क्या आपको इंटरेस्ट मिल गया है, क्या ये नहीं मिला है, तो जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्रूड। तो ये हमारा हो जाएगा 70,000 का 10% बाबू मेरे 7,000, और 7,000 का आधा कर दो 6/12, तो 3,500, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बाई बैलेंस सीडी ऑन 31 मार्च 2018, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय बैलेंस सीडी बीडी को टच भी नहीं करना है, बार बार आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब आ जाओ बाबू मेरे रिसिप्ट साइड, तो 2 सब्सक्रिप्शन दे रखा है, 2016-17 का 1500, 2017-18 का 60,000, 2018-19 का 1800, टोटल 63,300। 2 डोनेशन बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल हमारा क्या है, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट है तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एंट्रेंस फी ये आपका इनकम है, तो बाई एंट्रेंस फी रेकरिंग नेचर का इनकम है, कितना है, तो 1100 है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स ये आपका क्या है, इनकम है, ओल्ड मैगजीन्स
450, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट देखेंगे बाबू मेरे, सब्सक्रिप्शन। तो देखो बाय सब्सक्रिप्शन इनकम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे दिया है कितना, तो वो दे दिया आपका 63,300, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एट इंड को प्लस करते हैं, एडवांस एट बिगिनिंग को हम लोग क्या करते हैं प्लस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, और एडवांस एट इंड को हम लोग क्या करते हैं बाबू माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस में दिया क्या क्या है, 2016-17 का 1500 रिसिप्ट हुआ है, 2017-18 का 60,000 और 18-19 का 1800, टोटल ऐड करके आ रहा है कितना 63,300, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखो दो पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल करके दे दिया कितना 16,200। पॉइंट नंबर टू को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, 2016-17 का अभी भी स्टिल तक अभी तक कितना बाकी है 1200 रुपया बाबू लोग बाकी है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सेट करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो इसको सेट करते हैं, ये है आपका 2018-19 यानी कि 17-18, देखो यहां पे 2017-18 जिसमें कि टोटल हम लोगों को कितना रिसिप्ट हो गया है 63,300, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो गया है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो गया है। अब इसमें बोल रहा है क्या कि करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है कितना है, आउटस्टैंडिंग एट इंड कितना दे दिया है, तो 16,200। अब इस पैसे में 2018-19 का कितना पैसा शामिल है, कितना पैसा शामिल है, तो 1800, कितना पैसा शामिल है 1800 18-19 का, और हम लोग अकाउंटिंग कब का कर रहे हैं 2017-18 का। फिर उसके बाद दिया है 2016-17 का कितना पैसा शामिल है इसमें, तो 1500 रुपया शामिल है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट इसमें देखो जिसको कि हम अंडरलाइन अभी करवाए हैं, क्या दिया है, रुपीज 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, 2016-17 का अभी भी कितना बाकी है 1200 रुपया बाकी है 2016-17 का, यानी कि 2016-17 का अभी भी 1200 रुपया क्या है स्टिल इन एरियर है, इन अरियर अभी भी 1200 रुपया बाकी है। यानी कि हम लोग अगर तुमसे बोला जाए कि 2016-17 में एक्चुअल आउटस्टैंडिंग फिर कितना था, क्योंकि देखो यहां पे बोल रहा है कि 2016-17 का 1500 रुपया क्या हो गया है मिल भी गया है, और एडजस्टमेंट में लिख रहा है क्या कि 1200 रुपया अभी भी क्या है स्टिल है, यानी कि 2016-17 का एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एक्चुअल कितना है, तो 1500 और 1200 कितना हो गया 2700, क्या बोलते हो, क्योंकि बोल क्या रहा है कि 1200 रुपये अभी भी 2016-17 क्या है स्टिल है बाकी है,
और 1500 रुपया हमको मिल गया है, यानी कि एक्चुअल मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 2700 रुपया था। ठीक है, अब देखो तुमको इसको क्या करना है, एनालिसिस किए हम। अब देखो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2700 रुपये बाकी है, यानी कि मेरे पास कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे मेरे 2 स्टूडेंट रहे होंगे, एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा 1500 और एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा 1200, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये 1500 जिसके पास बाकी था उसका तो मेरे को पैसा क्या हो गया, मिल चुका है, लेकिन ये 1200 रुपया जो एडजस्टमेंट में लिख रहा है स्टिल इन एरियर, यानी कि ये मेरे को पैसा नहीं मिला है, ये मेरे को पैसा नहीं मिला है। तो क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दे दिया, आउटस्टैंडिंग एट इंड, इंड भी निकाल करके दे दिया है। तो जो मैं ये 1200 रुपया बाबू, ये क्या है, ये 1200 रुपया जो है, ये 1200 रुपया जो है तुम्हारा इस पैसे में क्या है, शामिल माना जाएगा, शामिल माना जाएगा। सर कैसे, तो देखो हम तुम लोग को बताए थे एट और फोर का मतलब, अगर 2017-18 का 16200 रुपया अगर मेरा आउटस्टैंडिंग एट इंड है 16200 रुपया, तो अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो क्या करोगे आप, इस 16200 रुपये में से 1200 को माइनस कर दोगे तो मेरा आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा फॉर द ईयर का कितना, 15000। और जैसे ही इस 15000 रुपये में इस 1200 को ऐड करोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, एट बन जाएगा, क्या बोलते हो। यानी कि अगर क्लास 12 में खड़े हो जाओ तुम और देखो कि अगर 2016-17 का अगर 1500 रुपया मेरे को मिला हुआ है और अभी भी बोल रहा है कि 1200 रुपया क्या है मेरा, स्टिल इन एरियर है, यानी कि पिछले साल का पैसा कितना बाकी है 1200 रुपया, तो वो पिछले साल वाला पैसा आ करके इसमें शामिल है, यानी कि ये मेरे को क्या दिया हुआ है, ऐट दिया हुआ है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि मेरे को बताओ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो कितना होगा, तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, 1200 रुपया माइनस कर दो। तो जैसे ही 1200 रुपया अगर हम लोग माइनस करेंगे बाबू मेरे, तो करेंट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं निकल जाएगा, क्या बोलते हो, 15000 नहीं निकल जाएगा करंट ईयर का। तो देखो ये मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है, 2700। तो देखो इसको, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 2700 माइनस करो, ठीक है, एडवांस एट इंड 1800 रुपया, एडवांस एट बिगिनिंग नील है, और आउटस्टैंडिंग एट इंड मेरा कितना निकाल करके दे दिया है बाबू मेरे, 16200। कितना दे दिया है, 16200। तो इसको प्लस माइनस आप करो, तो अगर आप इसको प्लस माइनस करोगे ना, अगर इसको प्लस माइनस करोगे ना, तो वो आपका आ जाएगा कितना, 75,000 सब्सक्रिप्शन का। कुछ रिसिप्ट को एडजस्ट करके इनकम बनाना पड़ता, उसी में से एक है सब्सक्रिप्शन, देख लो ये पॉइंट को ध्यान देना, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, करेंट ईयर का यानी कि 2017-18 का सब्सक्रिप्शन कितना रिसिप्ट हुआ है, 17-18 का बुक में देखो, यानी कि 60,000। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 60,000 क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 16200 रुपया दे दिया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, कौन बताएगा फॉर द ईयर कितना होगा, तो 15,000 होगा बाबू मेरे, सर
15,000 कैसे आया ये देखो ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 का 16,200 का एंड दे दिया है, ये दे दिया है। और क्वेश्चन हम उसके बाद पढ़ रहे हैं तो 1200 रुपए स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। 2016-17 का अभी भी मेरे को 1200 रुपया बाकी है, अभी भी बाकी है। तो जब भी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल करके टोटल दे देगा ना, तो तुम समझना ना कि 16,200 रुपए में 1200 रुपया क्या है, शामिल है। तो जैसे ही 16,200 रुपया में से 1200 रुपया को माइनस करोगे ना, तो तुम्हारा निकल जाएगा कितना, 15,000 करेंट ईयर। यानी कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर द ईयर नहीं पढ़ते हैं। और इस फॉर द ईयर में जैसे ही पिछले साल का पैसा यानी कि 2016-17 का पैसा ये 1200 रुपये ला करके इसमें ऐड करोगे, तो तुम्हारा एट नहीं बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड नहीं बन जाएगा। क्या बोलते हो, देखो इस 1200 को ले जाकर के यहाँ पे जैसे ही ऐड करोगे तो तुम्हारा नहीं बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा क्या है, करेंट ईयर से भी रिकॉर्ड करके आप बना सकते हो सब्सक्रिप्शन। तो टोटल आप लोग कर लो, टोटल आप लोग करो, तो टोटल को अगर आप लोग ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा बाबू 80,050 रुपीज। तो यहां भी कितना आना चाहिए, 80,050 रुपीज। तो 80,050 रुपीज में से पूरे को क्या कर दो, ऐड करके माइनस कर दो, तो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो 2 सरप्लस कितना निकल जाएगा, तो प्लस माइनस करके बताओ आप लोग कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बाबू 10,200। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है आपको। सब्सक्रिप्शंस का वीडियो मैंने बना रखा है, आप इसको एनालिसिस करो, समझो कि ये कैसे कैसे हो रहा